अरे आयुष जा रहे क्या? आ रहे ठीक है। एक बार एक और बार हो जाए। रियल पकड़ गया भाई। KFC चल रहा है यार। ओए KFC चल दो भाई। पेट से पूरा बैंगन हो रहा है। कुछ पीते थे अभी हम सब ऐसी बात कर रहे हैं तो प्रशांत कह रहा है मत डालिए हाँ नहीं डालूंगा। तो प्रशांत कह रहा मम्मी के मुंह से डालूं तेरे को टैटू कराना? नहीं भैया गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगी। हाय गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। अभी हम आ रहे हैं यहाँ से, दिख रहा होगा आपको एनी टाइम फिटनेस हमारे घर के पास ही है सब्जी क्लेव में। तो हमने सोचा कि एक बार पूछ के जाते क्या प्राइस है क्या है सारी चीज़ें। तो इन्होंने बताया है 3 महीने का है ये है 16,500 रुपये और 6 महीने का है 21,000 रुपये और 12 महीने का है 30,000 रुपये। तो हमें यही लग रहा है कि हमारा जिम ही बेस्ट है। तो हमने जब ये देखा और सुना तो हमें ऐसा लग रहा है कि भाई सबसे बढ़िया अपना जिम ही है। महीने का 1,000 रुपये देते हैं और सही वर्कआउट हो जाता है। हमें तो बॉडी बनाने से मतलब है, 1 घंटा बिताना है हमें, हम अपने जिम में ठीक है। और अभी हम जा रहे हैं इतना तैयार होके सरोजनी नगर। आज मॉल जाने वाले थे मगर हम मॉल जाने वाले थे लेकिन अभी चेतन आ रहा है। गाइस कुछ भी कह लो जिम बहुत बढ़िया था यार। मतलब हमारे जिम में तो लड़कियाँ ही नहीं आती है। मतलब एक मोटिवेशन आता है, देखो सिंपल सी बात है, इतना झूठ क्यों बोलना है शर्माना क्यों। और उस जिम में तो भाई साहब बहुत सारी मोटिवेशन मोटिवेशन ही मोटिवेशन थी। पर कोई नहीं, हमें आदत पड़ गई है यार। पैसे बहुत ज़्यादा इसलिए बोलना पड़ रहा है। अपने आपको भी तो अपने आपको दिलासा भी तो देना है ना, तो क्या कर सकते हैं। एक बात बता, तू इतनी देर से बकचोदी कर रहा है, मैं माता मंदिर में हूँ, ये मंदिर में हूँ, भोसड़ी के कभी जिंदगी में मंदिर नहीं गया जो हम एनी टाइम फिटनेस ज्वाइन कर लिया हमने क्या? हाँ ये तो मेन्यू है भोसड़ी के, मेन्यू तो किसी भी मेन्यू नहीं है। मेन्यू नहीं है उसने, देख ये देख, वो कह रहा है कि वो देख नीचे लिखा क्या लिखा है, औकात से बाहर। भाई तो मैं कह रहा हूँ भोसड़ी के 30,500 रुपए दोगे तुम, अबे कांड दोगे तुम। गाइस ओए तू ओए गाइस अभी तू नहीं बोलेगा, अबे नहीं बोल रहा यार। गाइस अभी हम सब ऐसी बात कर रहे हैं तो प्रशांत कह रहा है मत डालिए हाँ नहीं डालूंगा। तो प्रशांत कह रहा मम्मी के मुंह से डालूंगा तेरे को। तो प्रशांत अबे रुक जाना भाई। तो प्रशांत कह रहा कि शादी, अगर हमारी शादी हो जाएगी तो हम सब ऐसे घूमना फिरना बदल जाएंगे क्या? तो भाई देखो हमारा तो पता नहीं लेकिन आयुष बदल जाएगा। आयुष बदल जाएगा। इतना बढ़िया वेदर हो रखा है ना, ये जो टाइम है ना इस टाइम पे बड़ा अच्छा मौसम रहता है, ना ठंड हो रही ज़्यादा ना गर्मी हो रही। और मैं आप लोगों से ये सब बोलना चाहूँगा कि दिवाली का टाइम आ रहा है तो जितने भी लौंडे हैं जितने भी वीडियो देख रहे हैं और तुम लोग भी अपने घर में साफ सफाई करो और अपनी मम्मियों से हेल्प करो। तू करता है भोसड़ी की? भाई मैं आज ही मैंने पर्दे लगाए हैं। आज मैंने पर्दे लगाए हैं घर पे लटक लटक के उछल के, इसलिए खुद को साफ कराया। आज 2 साल बाद नहाया बेचारा, पिछली दिवाली से पिछली दिवाली पे नहाया था। और अभी घर में लाइटें भी लगानी है तो घर में अपना कंट्रीब्यूशन दो, आवारा गर्दी मत करते रहो इसकी तरह, ठीक है ना? हाँ और बस यही कहना था, थोड़ा अच्छा बनने की कोशिश कर रहा था वीडियो पे। गाइस नमस्ते कर दो। गाइस ये अपना स्कूल था और अब हम यहाँ से निकल चुके हैं। ये गाइस ये मदर इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल है जैसा कि आपको दिख रहा होगा। गाइस चेतन को दिवाली के लिए शर्ट चाहिए, वो पहले पूछ रहा था कुर्ता लें या शर्ट, तो मैं बोला भाई शर्ट ले, कुर्ता तो एक बार पहनेगा उसके बाद पहन नहीं पाएगा, अब जा रहे हैं कुर्ता लेने। ओ शर्ट लेने मतलब बैग लो बैग। चलो 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 आगे चलो जल्दी चलो जल्दी। टैटू कराना? नहीं भैया गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगी। अबे भाई एक शर्ट के लिए इतना घुमा रहा है तेरे को, सीधे आ सकती थी। अबे भाई वो ये पागल आदमी है, वो इसे जाने दे, हम चलते हैं। ये देख आगे जाए जा रहा है, आगे जाए जा रहा है। बालक नाराज है वो देख, चूती आया बालक। बढ़िया लग रहा है भाई एकदम सही लग रही है, एक नंबर लग रहा है। अरे यार वोट कर लो ना, वोट कर लो सही कहेंगे। हां वोट करो भाई। अरे ले लिया। अबे सही लग रहा है। अबे इन दोनों को तो ब्लेम भाई, चटक मत पहन, अगर कपड़े ऐसे पहन जिसमें थोड़ा छोटा लगे। ये एक बार ट्राई करी तूने पहन के? पहनियो जरा इसके साथ ब्लू कलर की जीन्स, कितनी अच्छी लगी। गाइस फाइनली चूतिए को चेतन को एक टी शर्ट पसंद आ चुकी है, टी शर्ट नहीं सॉरी शर्ट, और वो ले रहा है ये रही, वो ये रही लेकिन मोटे का साइज नहीं मिल पा रहा। अबे ये थोड़ी
है? अब लेने देना, क्या हुआ? ले ली। चल भाई कॉन्ग्रेचुलेशन। सरोज नगर में और बार्गेनिंग ना करे, ऐसा हो सकता कभी? क्या अबे बिक्सी की बात अलग है भाई। बिक्सी में भी बार्गेनिंग हो जाती है। यही कहीं हाँ बिक्सी भाई, बिक्सी जान पहचान अपना, जाता रहता हूँ मैं, जानता है वो बंदा। मेरे बाप का नहीं है, मेरे चाचा का था वो, अब मेरे ताऊ ने ले लिया। और जो लड़के बैठे हैं उनका भाई KFC चल दो यार। ओए KFC चल दो भाई, पागल है, 2000 रुपए बैठ जाएंगे। चलो फिर बर्गर किंग ही चलो, चलो गरीबो। तो हम आ चुके हैं बर्गर किंग और यहाँ से ऑर्डर करेंगे कुछ खाली बर्गर और एक रैप। रैप कैसा होता है? वेज वाले होता है, उसके साथ ही मिल जाएगा, साथ में वो वेज मखानी। तुम क्या खाएगा? एक पेप्सी। जो ये खाएगा वही मैं खा लूंगा। टट्टी लाएगा तो खाएगा, टट्टी वही से खाना नहीं खाऊंगा। चलो ठीक है बाय। तो अभी हम अपनी बेइज्जती कराते हैं। हम बर्गर किंग से निकल गए क्योंकि हमको वहां जाने के बाद याद आया कि हम चाप खा सकते हैं। यहाँ पे 1100 रुपए का बिल बन रहा है। आग लगा देते हैं। 1100 रुपए की पार्टी हो गई थी 1100 में। बर्थडे की चिंता क्यों कर रहे हो तुम? 1100 रुपए में तो 3-4 बार खाना खा सकते हैं। अबे भाई दिन हमने कितना बढ़िया बर्गर मंगाया था, उनको भी 700 रुपए। सही में 1100 रुपए इसके बर्गर के लिए मंगाया। 4 बर्गर 4 रैप बर्गर 4 कोक में 1100 रुपए का बिल बन रहा है। अब हम जा रहे हैं चाप खाने। बढ़िया चाप खाएंगे, रुमाली रोटी और शावरमा रोटी। चिराग और प्रशांत जा रहे हैं बाइक से, मैं और चेतन जा रहे हैं स्कूटी से। नारोजी नगर मिलेंगे डायरेक्ट। अरे अरे भाई, अबे इधर तो देख ले। ओ माय गॉड सर, आप यहाँ क्या कर रहे हो? ये कहाँ से आया है? पीना है क्या भाई? मतलब बैंड से तेरे अकाउंट में पैसे क्या आ गए? गांड मान ले तू मेरे। सुने को अरे आयुष जा रहे क्या? आ रहे ठीक है, एक बार एक और बार हो जाए। निकल पाओ चुड़ी के क्या लेके आए? क्या लेके आए दिखाना, क्या लेके आए? सुबह पहली गाड़ी से मुंह में लेने आओगे। ये कह रहा माच रहोगे मुंह में ले। तुम भी कुछ कह दे कभी जी, कहना क्या चाह रहे हैं? तुम गांड मरोगे कभी, क्या कहना चाह रहे हैं? छोटू लग भी रहा है तो भोसड़ी के टेस्ट तो करने थे। सब्जी खा। रोटी करके मारो। रुमाली रोटी है ना ये? वेरी गुड वेरी गुड। आयुष बेचारा गलत टाइम पे चला गया। आयुष है बोल रही है। हां मैं भी इसी में से खा लूंगा। आज तो है इसी में तीन। हां वही जरूरी वीडियो के लिए। बोथ बोथ आर इंपॉर्टेंट। खा यार। गाइस पहले तो आप रंगत देखिए क्या रंगत है। बस भाई हो गए मेरे लोग। बस तो इनका होना चाहिए, पहले जा रहे बहन के रोड़े जिम जा रहे। ये तो भाई ये घंटा इसका कुछ नहीं होने वाला। नहीं बढ़िया है, दबा के पहले जिम में लौड़ेगा जिम माकी झूठ की जिम। ओ नहीं ओनली प्रमोट जिम। कट कर दियो से, जिम वालों के बारे में मैं कुछ नहीं कहता क्योंकि तो भाई हमारी भी हम नहीं जाते तो क्या हुआ। मेरी साथ हो गए ना सिर्फ मलाई चाप और सिर्फ मलाई चाप तंदूरी चाप मसाला चाप ये चाप वो चाप और रुमाली रोटी। 4500 रुपये का चश्मा बनवाया इसने लेंस कार्ड से। अबे भाई वो इतने का दे रहे मैं क्या करूं? हुआ क्या था ये तो बता दे, वहां पे जाते ही जैसी तू गया। अबे भाई पूरा खाली 10 बंदे। सर ये अच्छा लग रहा है, मैं चूतिया लग रहा हूं, मेरे को तो देख दे। पूरी ऐसी की तैसी मार दी टेबल की। फोन उठा ले अपना, फोन उठा ले। हैं बर्गर भाई कभी कभार चलता है। मैं इसको माजा की कह रहा हूं, मना कर रहा है। आजा पी ले। अबे पी ले यार माजा। अबे यार कभी तो, अबे यार थोड़ी सी जगह तो होगी पेट में। आजा अबे यार भाई ना है मेरा देख ले। गांड फाड़ दूंगा तेरे। अबे कैसे भोसड़ी का एक तो पिलाने वाले मिल रहा है इसको बैठ कर मना करे जा रहा। पीजी जा खुद लिया। मेरी बात फैसला होगा, फैसला होगा आज, फैसला हो जाएगा। फर्स्ट पे तेरा भाई है,
सेकंड पे प्रशांत भाई है, थर्ड पे यो भाई। साले थर्ड पे मैं आना चाहिए। अबे बहन के थोड़े थर्ड पे मैं आना चाहिए भोसड़ी के। हाँ भोसड़ी थर्ड में ही तो आया था तू। तू बचपन से था क्या वहाँ? नहीं मैं बचपन से नहीं, मैं भी थर्ड में आया था, ये भी थर्ड में, ये सेकंड में था। अच्छा ये केजी से ये मैं बचपन से था। ये बचपन से था। एक बार इंग्लिश में तो हो गया कि ये क्या करता है, टेल मी वेयर यू आर गोइंग देयर। हिंदी में बोलता, हिंदी में बोल दे। तू लाला उधर को जा रहा था जॉब पे बेटा, यू बता पैसे कहाँ तेरे? बंद रखे हुए सारे रखे हैं जो लास्ट मिले थे उसमें रखे हुए, मतलब बिल्कुल। चलो भाई बहुत बातचीत कर ली, बहुत मजे आ गए। दिवाली का डिस्कस कर रहे थे क्या करना है, और अब जा रहे हैं घर क्योंकि टाइम हो रहा है 10। और जिम तो आज जा नहीं पाए हम, जिम तो अपना स्किप हो गया, कल इसने ज्वाइन करा था, आज इसने छुट्टी मार ली। दो दिन में वैसे भी कुछ नहीं होने वाला, क्या बोलती है पब्लिक। अब चलते हैं घर और घर जाके रेस्ट करेंगे। आयुष की बहन तो दो खड़ी कर रखी करो, उसने अपने लिए ली थी, क्या बोला था उसने? गाइस चेतर मेरे को कह रहा थाली का बैगन, मैंने बोला बैगन तो ये खुद ही है और थाली इसकी गांड है बड़ी बड़ी। पेट से पूरा बैगन हो रहा है कुछ पीछे से। क्या बोलती है पब्लिक? अबे बहन चो ब्लॉग करना चाहेगा भाई चेतन। अरे रुक, अरे बैठ के मीटर रुक तो जा। थाली का बैगन, अरे बैठ के दाढ़ी चुभ रही है भाई तेरी, यहाँ से उठा। तेरे में लाइट भी इसको लगा। वाओ भाई ऐसा बना ले, बनेगा बनेगा यार। एक तुम क्यों हाथ मिला रहे हो एक दूसरे? तू तो उसके पास ही जा रहा है। चल ठीक है मिलते हैं जल्दी, दिवाली से पहले मिलेंगे ना अभी तो। छोटी दिवाली अभी दो दिन पहले, फिर आज आ गए। तो तुम वेल ले इतने हो? तू भी तो मिल रहा है। मेरी क्लासेस कैंसिल करवा देते हो? थैंक यू सो मच यहाँ तक व्लॉग देखने के लिए, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, थोड़ा तो कॉन्ट्रीब्यूशन दे दो, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ।